हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी एंड दिस इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस एज वेल एज एसएससी बैंकिंग और अदर एनी एग्जामिनेशन जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स में ये जो है सीरीज जो है काफी ज्यादा जो हेल्प करेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारे चैनल को जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर टू प्रेस दी बेल आइकन ताकि हमारी बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको जो है सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम फ्रॉम 8th of January टू 14th of January जो करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें जो है आपसे जो है पेयर्स पूछे गए हैं और इसमें पूछा गया कि कौन से पेयर जो है हमारे करेक्टली मैच रहे हैं, कौन से जोड़े जो है करेक्टली जो है मैच किए गए हैं। इसमें ये पोर्ट्स के नाम है, इंपोर्टेंट जो बंदरगाह रहते हैं और एसोसिएटेड कंट्री। तो इसमें पहला जो पोर्ट है ये है कैवफेडियन पोर्ट। तो कैवफेडियन पोर्ट देखिए चाइना, तो कैवफेडियन पोर्ट जो है चाइना में है, ये जो है बिल्कुल करेक्टली जो है मैच रहे। नेक्स्ट है जास्क पोर्ट, जास्क पोर्ट भी आपको जो ईरान में देखने को मिलेगा। और डुकम पोर्ट जो है आपको जो है डुकम पोर्ट जो है यमन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पोर्ट जो है आपको जो ओमान में देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर्स में न्यूज में था क्योंकि इंडिया को जो है एसएस मिल चुका है, एक्सेस मिल चुका है ऑफ डुकम पोर्ट ऑफ ओमान। इनको अभी हम मैप में लोकेट करेंगे तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। देखिए ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि दिल्ली ने कह दिया है, हमारी कंट्री ने बोल दिया है बीजिंग को। देखिए इस तरह से कभी न्यूज आती है कि दिल्ली आस्क बीजिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो कंट्री है, जनरली कैपिटल्स के नाम से भी जो कंट्री को बोल दिया जाता है दिल्ली, दिल्ली मतलब इंडिया ने जो है बोल दिया है चाइना को कि वो जो है अलाउ करें क्रू चेंज फॉर स्टैंडर्ड सेलर्स। तो क्या हो गया कि देखिए टू जो शिप्स हैं एम बी जाग आनंद और एम बी अनस्ताशिया, ये जो शिप्स हैं कार्गो शिप्स हैं ये कोल लेके जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है चाइना में जो आई हुई थी और ये चाइना के जो है इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है जिंगटैंग पोर्ट बुहाईसी के पास और एक पोर्ट रहता है काउफेडियन पोर्ट हेबी प्रोविंस के पास, यहाँ पर ये जो है आई हुई थी शिप्स। लेकिन चाइना ने जो है इनको जो है अनलोड करने से जो है मना कर दिया है। इसका कारण ये है कि चाइना के जो रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिलेशनशिप जो डिटेरियरेट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी कि एक जो है अनबायस्ड एक जो है प्रोब होनी चाहिए ऑन द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस कि वाकई ये जो है नेचुरल है या ये मैन मेड वायरस है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड रखी थी, जिससे रिलेटेड जो है चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया नाराज है, तब करके इन शिप को जो स्टैंडर्ड कर दिया गया है। अब जो शिप ओनर्स हैं वो जो है लॉस नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो भी जो है शिप्स को वापस नहीं मंगा रहे हैं, जबकि चाइना कह रहा है कि हमने इनको फ्री रखा है कि ये वापस भी जा सकते हैं और अनलोड चाइना इनको नहीं कर रहा है। इस कारण जो हमारे जो इंडियन सेलर्स हैं ये जो भाई सी के पास जो जिंगटैंग जो पोर्ट रहता है चाइना का और कैवफेडियन जो पोर्ट रहता है चाइना का, वहां पर हमारे सेलर फंसे हुए हैं। तो इंडिया ने बोला हुआ है, अर्ज किया हुआ है चाइना को कि वो जो हमारे सेलर्स को जो है छोड़ दे। ओमान से रिलेटेड न्यूज आप देख सकते हैं, ये जो है द डिप्लोमेट की जो है आप न्यूज जो है 14 February 2018 न्यूज देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि इंडिया गेन एक्सेस टू द ओमान्स डुकम पोर्ट। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो डुकम पोर्ट है ये जो है ओमान में है और इंडिया को जो है डुकम पोर्ट का एक्सेस जो है ओमान ने जो है दे दिया है। इन तीनों पोर्ट को और इन कंट्रीज को जो है मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया और इंडिया की तरफ से देखिए हम अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे, देखिए ये वाली जो डायरेक्शन जिस तरफ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ इट इज ईस्ट और इस तरफ की डायरेक्शन हमारी वेस्ट होती है और ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ जो है साउथ होती है। तो जब हम वेस्ट की तरफ जो है अगर हम जाएंगे तो यहाँ से देखिए वेस्ट में हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे ईरान में। और ईरान में अगर मैं आपके लिए जूम करूँ, ईरान देखिए पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान को टच करेगा और ईरान में आपको देखने को मिलेगा जास्क पोर्ट। ओके, और इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है ईरान के आप ध्यान रखना बंदरवास पोर्ट भी न्यूज में रहता है और छाबार पोर्ट जो कि इंडिया ने जो डेवलप किया हुआ है। रिसेंटली जो उज्बेकिस्तान भी जो है छाबार पोर्ट का जो एसेस जो है इंडिया और ईरान से मांग रहा है ताकि वो जो है उनको ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके, क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री, इनका कोई एसेस जो है नहीं है। तो इस तरह से छाबार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और उज्बेकिस्तान भी जो इसका एसेस जो है मांग रहा है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान जो है देखिए बॉर्डर शेयर करके आपके इराक, इराक की कैपिटल है बगदाद, उसके साथ टर्की, टर्की कैपिटल है आपकी अंकारा, यहाँ पर अर्मेनिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करेगा और अर्मेनिया कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको यारावन। अर्मेनिया कैपिटल रहेगी यारावन, उसके साथ साथ यहाँ पर अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और कैस्पियन सी को भी इस तरह से टच करेंगे और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है इनका जो है लैंड बॉर्डर जो ईरान का जो है
रहेगा। और ईरान और नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जान लीजिए, ये एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में एकमात्र दो कंट्रीज, ये जो है ईरान की जो है एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट में जो है एकमात्र दो कंट्रीज जो ब्लैक लिस्ट में उनमें ये शामिल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट। अगर मैं यहाँ पर ओमान के ऊपर जूम करूँ, देखिए बॉर्डर शेयर कर गया यूएई और सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब कैपिटल रियाद और यूएई की आपको देखने को मिलेगी अबू धाबी। अगर हम जो है ओमान के ऊपर जो इस तरह से जूम करें तो ओमान में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डुकम पोर्ट, जिसका एक्सेस जो है इंडिया को जो है रिसेंटली मिल गया है। चाइना के क्योफेडियन पोर्ट को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से हम ईस्ट की तरफ पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो ये है हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना, चाइना की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी बेजिंग। और यहाँ बोहाई सी के पास अगर हम जूम करें तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा क्योफेडियन पोर्ट। और आप यहाँ पर जो है और जूम करेंगे तो यहाँ बहुत सारी बेज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि लियोडोंग बे है, चांगशान सीवान है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुहाई सी। तो बुहाई सी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में बुहाई सी जो है चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कलरीपयट्टू जो कि कंसिडर्ड होता है, माना जाता है इसको, कि ये जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक मार्शल आर्ट फॉर्म है हमारी कंट्री की, और इसकी लिगेसी, इसका इतिहास जो है मोर देन 3000 3000 साल पुराना इसका जो इतिहास रहता है। इसमें पूछा गया कि ये किस स्टेट को जो है बिलोंग करता है, तो देखिए इसको जो है आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। ये जो है कलरीपयट्टू जो कि हमारा ट्रेडिशनल जो है मार्शल आर्ट फॉर्म रहता है, ये जो है केरला को जो है बिलोंग करता है। इसके साथ साथ आप कुछ एक और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म को भी जो है मेमोराइज कर लेना। इसमें आएगा आपके पास सिलाम बम जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म जो हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जलीकट्टू भी हमें तमिलनाडु में बुल टेमिंग जो स्पोर्ट्स होता है वो देखने को मिलता है। कंबला जो रेस रहती है हमारी, बफेलो रेस, वो कर्नाटक में हमें देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट फॉर्म थांगटा आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच करने के लिए आपको ये जो है प्रीलिम्स में आ सकते हैं, थांगटा मणिपुर में देखने को मिलेगा आपको। एक और नेम रहता है हमारे पास गटका, GATK गटका, गटका आपको जो है पंजाब में देखने को मिलेगा। एक और काफी इंटरनेशनल एक हमें ये देखने को मिलता है, माना जाता है कि ये साउथ इंडिया से जो ऑरिजिनेट हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये जो है श्रीलंका एंड मलेशिया में हमें देखने को मिलता है, दैट इज कुटू। वेरी सही, कुटू वेरी सही जो मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसको माना जाता है कि ये साउथ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन श्रीलंका और मलेशिया में आज की डेट में ये प्रैक्टिस किया जाता है। एक और रहता है हमारे पास मुश्ती युद्धा आपको देखने को मिलेगा वाराणसी, ये वाराणसी से जो ओरिजिनेट हुआ है, तो वाराणसी और इसके आसपास यूपी के एरिया में आपको देखने को मिलेगा मुश्ती युद्धा। एक और रहता है हमारे पास परी, PRI, दिस इज आर परी खांडा, परी खांडा जो है आपको जो है बिहार में देखने को मिलेगा, बिहार से और जो ओरिजिनेट ये जो है हुआ है। कलरीपयट्टू जो कि केरला का ट्रेडिशनल जो है मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक कलरीपयट्टू अकेडमी जो है खोलने की जो है बात जो है की जा रही है, इसको जो है हरी झंडी मिल गई है। तो ये जो एकेडमी है ये केरला कैपिटल तिरुवंतपुरम में जो है खोली जाएगी, जहां पर जो है इनिशियली ट्रेन किए जाएंगे 100 स्टूडेंट्स इन टू बैचेस। देखिए और द हिंदू ने भी इसके बारे में बताया हुआ है कि कलरीपयट्टू जो है कंसिडर होता है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट ऑफ द कंट्री, और इसकी लीगेसी रहती है मोर देन 3000 ईयर्स अगो। और ये जो है अब इसको जो है काफी ज्यादा जो सर्च मिलेगा, काफी ज्यादा प्रोत्साहन इसकी पॉपुलरिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अकेडमी जो है केरला कैपिटल तिरुवंतपुरम में जो खोली जाएगी। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चंडाकूडम जो सेलिब्रेशन है जो कि न्यूज में थी रिसेंटली, ये किस साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड रहती है, तो ये जो है हमें जो है केरला में देखने को मिलती है, और केरला के मॉस्क्यूज में जो है, जो मॉस्क्यू है केरला में मुस्लिम्स में, ये जो है चंडाकूडम ये प्रैक्टिस जो हमें जो है देखने को मिलती है। तो इस तरह से द हिंदू में न्यूज आई हुई थी कि चंडाकूडम सेलिब्रेटेड हुआ, और इसमें देखिए इसमें ये बोला गया कि सबरीमाला के प्रीमियर सीजन के साथ जो है चंडाकूडम जो है सेलिब्रेशन हेल्ड हुई एट नैनार मॉस्क्यू केरला में। तो देखिए इसमें बताया हुआ है कि चंडाकूडम जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है मॉस्क एट चंगाचेरी, इराट्टुपेट्टा, इरुमेली, तिरुवनंतपुरम एंड सोन।
दिस क्वेश्चन इज सुपर इम्पोर्टेंट। इसमें आपसे पूछा गया कि डोजुकोउ ये जो वैली है ये रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो काफी ज्यादा जो है आग जो है लगी हुई है, फायर यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो इसमें ये पूछा गया कि जो डोजुकोउ ये जो वैली है ये किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये जो वैली है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में हमें देखने को जो है मिलती है। बहुत सारी न्यूज जो इस रिलेटेड जो आई हुई है, लेकिन एक न्यूज मैंने इसमें कवर की हुई है, नागालैंड क्लेम कर रहा है कि उनकी साइड में जो है डुजकोई वैली में जो है कोई भी आग जो है इस तरह से नहीं लगी है। आई मेक अ पार्टन, दिस वैली इज लोकेटेड बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर के बीच में ये वैली लोकेटेड है। तो देखिए नागालैंड ने क्लेम किया हुआ है कि जो डुजकोई रेंज इनकी साइड में इसमें किसी भी तरह की आग नहीं लगी हुई है, और ये इस तरह से आप नॉर्थ ईस्टर्न जो है मैप देख सकते हैं, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बताई हुई है डुजकोई वैली और सराउंडिंग हिल्स यहाँ पर, और ये नागालैंड और मणिपुर के बीच में इस तरह से हमें ये जो है वैली जो हमें जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड। तो ये जो है न्यूज में थी रिसेंटली, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो वैक्सीन के जो ऑर्डर हैं ये जो है एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से दिए गए हैं, और इनके द्वारा जो प्रोक्योरमेंट जो वैक्सीन की जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आपको पता है मैन्युफैक्चर कर रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन, और भारत बायोटेक के द्वारा जो है हमें जो है कोवैक्सीन वैक्सीन की देखने को मिलती है। तो ये सारी सारी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम और जो ऑर्डर है ये एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा जो है दिए गए हैं, और ये काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसे दी गई है कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी है प्रोड्यूसिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एचएलएल लाइफ केयर जो लिमिटेड है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं है पब्लिक सेक्टर रहती है। और ये जो एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, और इसके हेडक्वार्टर आपको जो है तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा विच इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो सेकंड इज राइट, और इसमें पूछा गया करेक्ट, कई बार यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर आप नजर जरूर डालनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास टू ओनली इज करेक्ट। ये आप दी हिंदू की कटआउट इस तरह से एक देख सकते हैं, सेंटर ने ऑर्डर्स कर दिए 11 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड। तो कोविशील्ड इज प्रिपेयर्ड बाई SSI, मैन्युफैक्चर्ड बाई दी SSI। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि परचेज ऑर्डर जो है भी दी पुणे बेस्ड SSI फॉर 11 मिलियन डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन। कोविशील्ड 210 पर डोजेस इस तरह से ये दे दी हैं। और इसमें बताया गया कि एचएलएल लाइफ केयर जो लिमिटेड है जो कि पब्लिक सेक्टर जो एक अंडरटेकिंग है, इशूड द सप्लाई ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री। आप एक यहाँ पर विकिपीडिया का जो है कटआउट देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि जो एचएलएल जो लाइफ केयर जो लिमिटेड है इसका फॉर्मर नाम था हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड। तो एचएलएल जो लाइफ केयर लिमिटेड है ये इंडियन हेल्थ केयर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा, और ये जो है स्टेट ओन्ड एक इंटरप्राइज रहेगी। 1966 में स्टेब्लिश हुई थी, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है, और की पीपल इसमें की वी जॉर्ज आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे, और प्रोडक्ट्स ये जो है कॉन्डोम्स वगैरह, हार्मोनल कंट्रासेप्शन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि ये जो बीजू पटनायक जो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में लोकेट है। देखिए पटनायक एक सरनेम से आप गैस लगा सकते हैं, नवीन पटनायक जी आजकल ओडिशा के जो है सीएम है, तो इस तरह से बीजू पटनायक जो एयरपोर्ट है मोस्ट प्रोबेबल ये जो ओडिशा, तो ये जो है ओडिशा भुवनेश्वर में लोकेटेड है बीजू पटनायक एयरपोर्ट। ये इस तरह से जो है हिंदू में न्यूज आई थी हुई थी विद पिक्चर, इसमें देखिए बताया गया है कि बीजू पटनायक एयरपोर्ट जो है भुवनेश्वर में है, इस तरह से एयरप्लेन दिखाया गया और फार्मर जो है इस एयरप्लेन को जो नोटिस कर रहा है। एयरपोर्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज। तो देखिए ये बहुत ये खुशी की बात है, वो विश्व का पहला जो फुली सोलर एनर्जी से जो पावर्ड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडिया में है, और दैट इज दी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में ये जो लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इज कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला। तो देखिए इस तरह से हम न्यूज देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला में, ये जो है एक एग्जाम्पल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने भी जो इसके ऊपर जो देखिए जो ट्वीट किया हुआ है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसके हेडक्वार्टर जो आपको जो है नैरोबी केनिया में देखने को मिलेंगे। देखिए 2015 से जो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फुली जो है सोलर बन चुका है, और 2018 में जो है इसको जो है यूएन एनवायरमेंट अवार्ड भी जो है मिला हुआ है। आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैंने एक और चीज डाली हुई है, देखिए जो पुडुचेरी का जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फर्स्ट 100% जो है सोलर पावर्ड एयरपोर्ट ये जो है बना हुआ है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ध्यान रखना वर्ल्ड का फर्स्ट जो है फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ध्यान रखना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट है उसमें पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है ये फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है बना हुआ है। देखिए ये जो है काफी ज्यादा रिसेंटली में ये भी न्यूज में था, ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, एयर इंडिया के एक ऑल वुमेन क्रू ने जो है हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। देखिए इसमें हरदीप सिंह पुरी जी की भी ट्वीट है,
कि इन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी इस तरह से जो है द हिंदू की भी एक जो है पिक्चर जो है देख सकते हैं, न्यूज में देख सकते हैं कि इसमें कैप्टन जोया अग्रवाल को जो दिखाया हुआ है। इन्होंने हेड किया था ऑल वुमेन क्रू और फर्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट जो इन्होंने जो है चलाई, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए से जो बेंगलुरु के लिए ओवर दी नॉर्थ पोल से होते हुए ये आए और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में जो है ये जो है इस तरह से यहाँ पर ये जो है देखते हुए नजर आए। और ये जो फ्लाइट थी ये 17 आवर्स की एक जो नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, सैन फ्रांसिस्को से होते हुए नॉर्थ पोल से होते हुए ये जो है बेंगलुरु तक आई। और ये जो है ऐतिहासिक मूवमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी वुमेन क्रू के द्वारा जो इस फ्लाइट को जो है रन किया गया। इस क्रू के मेंबर्स में आपने ध्यान रखना कैप्टन जोया अग्रवाल थी, इसमें कैप्टन पापागिरी थानमाई, कैप्टन आकांक्षा सोनावर और कैप्टन शिवानी। इन्होंने जो नॉर्थ पोल से होते हुए जो है बेंगलुरु में जो है सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु तक इन्होंने जो यात्रा की और 17 आवर्स की एक लॉन्ग नॉन स्टॉप जर्नी इन्होंने ये जो की और मेक अ हिस्ट्री। नेक्स्ट उन्होंने काफी इजी क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया कि जो जन सूचना पोर्टल जो कि रिसेंटली जो है काफी ज्यादा न्यूज में था, ये जो किस स्टेट से जो रिलेटेड है, तो ये जो है राजस्थान से जो रिलेटेड है हमारा जन सूचना पोर्टल। इस तरह से ये जो है 2019 की जो न्यूज थी कि राजस्थान ने लॉन्च कर दिया है जन सूचना पोर्टल। गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है काफी ज्यादा जो न्यूज में रहती है, तो इस रिलेटेड जो आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली पूछी गई कि ये जो है रीजनल एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, बिल्कुल सही बात है कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जो कि कंसिस्ट करती है ऑल अरब स्टेट्स ऑफ द पर्शियन गल्फ, जिसमें बहरीन आएगा, बिल्कुल सही बात है। बहरीन इज अ मेंबर, कुवैत इज ऑल्सो मेंबर, ओमान इज ऑल्सो मेंबर, कतर इज ऑल्सो मेंबर, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो मेंबर, यूएई इज ऑल्सो मेंबर, दी सिक्स आर मेंबर एंड द इराक, इराक इसका मेंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। सिक्स मेंबर आपके जो आपको जीसीसी के देखने को मिलेंगे, जिसमें कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल करंट मेंबर्स स्टेट्स आर मोनार्की, ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी मेंबर्स है गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ये जो मोनार्कीज है, इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है, संवैधानिक मोनार्कीज। आपको मोनार्की होती है, मोनो का मतलब है एक, तो एक यहाँ पर जो है शासन करता है और मोनार्की में जनरली हेड ऑफ द स्टेट जो है जनरली किंग होते हैं और हेरिडिटरी ये पोजीशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में अगर हम देखें तो इसमें कतर, कुवैत और बहरीन देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट मोनार्कीज सऊदी अरेबिया और ओमान, और फेडरल मोनार्की यूएई, यहाँ पर जो है देखिए आपके 7 मेंबर स्टेट्स रहेंगे, सबके अपने अलग अलग जो है मोनार्की जो है सब फेडरल स्टेट्स में, सब स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी और कंट्री का अलग से एक जो है राजा जो है रहेगा, किंग रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो राइट आंसर जाएगा बी, सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है एक जो है रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें जो सारे सारे अरब स्टेट जो है पर्शियन गुल्फ के सारे अरब स्टेट आते हैं एक्सेप्ट इराक, तो इसके मेंबर हो जाएंगे आपके पास कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ध्यान रखना सऊदी अरेबिया जो है लैंड बॉर्डर शेयर करेगा यमन के साथ, ओमान के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, कुवैत के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, आई मेक अ पार्डन, जॉर्डन के साथ, और आप ध्यान रखना सऊदी अरेबिया कोई भी लैंड बॉर्डर जो बहरीन के साथ शेयर नहीं करेगा, इनको अभी बॉर्डर मैप में लोकेट करेंगे। और जीसीसी इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर्स आपको इसको देखने को मिलेंगे रियाद, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। इस तरह से आप ये जो वर्ल्ड मैप जो देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया, तो यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप इन गुल्फ कंट्रीज को जो है देख सकते हैं, तो गुल्फ कंट्रीज के जो है 6 मेंबर्स जो आपको जो देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन इज कुवैत, सेकंड वन इज बहरीन, थर्ड वन इज कतर, फोर्थ वन इज सऊदी अरेबिया, फिफ्थ वन इज यूएई एंड सिक्स्थ वन इज ओमान। और 2022 के जो फीफा जो वर्ल्ड कप होंगे वो हमें कतर में जो देखने को मिलेंगे। और इंडिया के लिए गौरव की बात यह है कि जो कतर में जो स्टेडियम बनेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2020 के लिए, इसको जो है इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इस जो स्टेडियम को बनाएगी। तो देखिए जो 6 की 6 ये जो गुल्फ कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, इराक इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारी पर्शियन जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और सऊदी अरेबिया का ध्यान रखना, लाइन सिटी से रिलेटेड, लाइन सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा जो सऊदी अरेबिया जो न्यूज में है। और नियोम इस तरह से आपको जो है जगह जो है सऊदी अरेबिया में ये जो प्लेस है इसको ये नियोम बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में जो है आपके जीसीसी के हेडक्वार्टर होंगे और इस्टेब्लिश हुई है 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रिलेटेड जो आपसे जो है यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि ये जो है एक स्टैचुरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है, दी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मीडिया। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है स्टैचुरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है, इतनी स्टेटमेंट यह ठीक है, लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर वर्क नहीं करती है। तो ध्यान रखना सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर वर्क करता है, तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है गलत हो जाएगी। तो इस तरह से बाय एलिमिनेशन भी अगर हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। ये जो टास्क रहती है रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स
अंडर द प्रोविजन ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, और कोई भी जो फिल्म है मूवी है हमारी कंट्री में वो जो है दिखाई जा सकती है सिनेमाज में और टेलीविजन पे ओनली आफ्टर इट गेट्स अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सो फार जो है ये जो है रेगुलेट नहीं करती है, और ओटीटी के ऊपर जो फिल्म आ रही है जैसे हमारी नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजोन प्राइम हो गए, इनके ऊपर जो फिल्म आ रही है उनकी किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन नहीं हो रही है, तो उनसे रिलेटेड ये न्यूज में है। तो ये विकीपीडिया का आप कटआउट देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी जो है स्टेचुअरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अंडर जो वर्क करेगी गवर्नमेंट इंडिया के अंडर, और ये जो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के प्रोविजन के अंडर जो वर्क करेगी, और कोई भी जो मूवी है फिल्म है हमारी कंट्रीज में वो सिनेमाज में या टेलीविजन में तभी दिखाई जा सकती है जब जो ये जो सर्टिफिकेशन जो बोर्ड से जो प्राप्त कर ले, और ये एस्टेब्लिश हुई है ऑन 15 जनवरी 1951, और एक फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है और हेडक्वार्टर्स आपको इसके देखने को मिलेंगे मुंबई महाराष्ट्र में, और प्रसून जोशी जो इसके जो आपको जो है चेयरमैन देखने को मिलेंगे। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो चीफ है प्रसून जोशी साहब जी, इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनको भी जो रेगुलेट करने की जरूरत है, और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और अदर, इनको भी जो रेगुलेट करने की जरूरत है, और इससे रिलेटेड जो है हमारी पार्लियामेंट ने कमेटी बना दी है शशि थरूर कमेटी। तो आप ध्यान रखना शशि थरूर कमेटी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन देगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, मेक श्योर टू मेमोराइज दिस। इसमें आपसे जो है जो गंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी गई है। रिसेंटली देखिए एक वीडियो वायरल हुई थी, न्यूज आ रही थी कि यूपी में जो है कुछ एक यूथ ने जो है गंगेटिक डॉल्फिन को जो है मारा था, तो उससे रिलेटेड वो काफी ज्यादा जो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो न्यूज में, क्योंकि एक ये जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो देखिए गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है हमारी जो एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसको हम सुसु भी बोलते हैं, ये जनरली ब्लाइंड होती है और अल्ट्रासोनिक बेब्स का यूज करके ये जो है अपना जो है खाना वगैरह जो है ढूंढती है। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एक बात आप और ध्यान रखिए, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेश वाटर में ही फाउंड होती है, और ये जो है वाटर में ब्रीथ नहीं कर सकती है, तो हर 30 से 40 सेकंड में ये जो है पानी के ऊपर जो सांस लेने के लिए जो आती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज पिक्चर ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, और गंगेटिक रिवर डॉल्फिन को हम जो है सुसु भी बोलते हैं, और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णापुली सांगू रिवर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी, और कंजर्वेशन प्लान जो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन 1020 का हमें देखने को मिलता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट गंगेटिक रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड आप ध्यान रखना, मेल डॉल्फिन जो है 2 to 2.2 मीटर जो है लॉन्ग रहेगी जबकि फीमेल जो है बड़ी होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जनरली आपको मेल बड़े देखने को मिलते हैं हर स्पीसीज में, लेकिन गंगेटिक रिवर डॉल्फिन बहुत खास बात है कि फीमेल जो थोड़ी बड़ी होंगी 2.4 to 2.6 मीटर जो है ये आपको जो है देखने को मिलेंगी, और ये जो 70 to 90 kg तक ये जो हो जाती है, और इनका जो ब्रीडिंग सीजन है ये जनवरी टू जून जो है चलता है, और ये जो है फीड ये जो खाती है का बहुत सारी स्पीसीज ऑफ फिशेज इनवर्टेबरेट्स एक्सेट्रा। और गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट है इन द IUCN, और गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में जब लॉन्च किया गया था, और नवंबर 1986 गंगेटिक डॉल्फिन को जो है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन 1972 में जो डाल दिया गया था। विक्रम शिला जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि बिहार में है वो भी जो है इसी एक्ट के तहत जो एस्टेब्लिश हुई थी दिस ईयर, और इसको जो है 2009 में जो है 5 अक्टूबर 2009 को जो है पीएम मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था, इसलिए हम अक्टूबर 5 को जो है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता चाहिए गंगा रिवर डॉल्फिन जो है सिर्फ सिर्फ आपको फ्रेश मैटर में ही देखने को मिलेगी, और ये पानी के अंदर जो है सांस नहीं ले सकती है, इसलिए 30 से 40 सेकंड में जो है सांस लेने लाती है, और जनरली ये जो ब्लाइंड आपको देखने को मिलेंगी, ये देख नहीं सकती है, ये अल्ट्रा सोनिक वेव्स का जो यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये जो ताडोबा अंधारी ये जो नेशनल पार्क है ये हमें जो महाराष्ट्र में जो देखने को मिलता है। तो ये विकिपीडिया का कटआउट आप देख सकते हैं, ये जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र में जो देखने को मिलती है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये अप्रैल 1973 में जो लॉन्च किया गया था टू सेव दी बंगाल टाइगर विच इज दी नेशनल एनिमल ऑफ अवर कंट्री। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फेवरेट ऑफ यूपीएससी। इसमें देखिए पूछा गया है आपसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव किया है एक प्रोग्राम क्वेस्ट, ये जो एस्टिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया से, क्या ये वैक्सीन टाइप से रिलेटेड है या क्वांटम टेक्नोलॉजी बूस्ट करने से रिलेटेड है या टू कंडक्ट एजुकेशन इन स्कूल ऑन साइंटिफिक लाइन या नन ऑफ दीज। तो देखिए हमारी कंट्री में क्वांटम टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस क्वेस्ट जो प्रोग्राम है इसको जो लॉन्च किया हुआ है, दिस इज अ कट आउट ऑफ PIV। तो देखिए इसमें जो है क्वेस्ट के बारे में जो बताया हुआ है क्वांटम एक्सपेरिमेंट यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है क्वेस्ट की जो है एक्सपेंडेबल फॉर्म रहती है, और इसमें जो पार्टनरिंग जो कंट्री रहेगी हमारी इट इज कनाडा,
और एक और इसमें न्यूज खबर होती है कि जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक ऑटोनोमस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल किट फॉर एंड टू एंड क्यूकेडी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्यूकेडी एसआईएम। तो ये भी क्यूकेडी एसआईएम आपको आया तो आपको समझिए ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए ब्रेल एक लिपि होती है जिससे जो हमारे जो ब्लाइंड जो पर्सन है वो उसके थ्रू जो है उसको छू के जो है पढ़ सकते हैं, और इसको जो है लुईस ब्रेल के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। तो इनके बर्थ को कमेमोरेट करने के लिए जो है हर साल 4 जनवरी को जो हम जो है वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है लुईस ब्रेल के बर्थडे को कमेमोरेट बनाने के लिए जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो 4 जनवरी 2019 में हमने पहला जो है ब्रेल डे जो है सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी से की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी में हमारे सीधी बात है न्यू ईयर तो हो गया ही होगा, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स इंस्ट्रूमेंट डे इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी, वर्ल्ड पीस डे 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे, 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे, जो बच्चे जो है युद्धों के दौरान जो है अनाथ हो जाते हैं उनसे रिलेटेड जो है 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे, 9 जनवरी को देखिए अब का 2021 में जो हमने जो है 16th प्रवासी भारतीय दिवस जो है हमने जो सेलिब्रेट किया, चीफ गेस्ट थे इसमें मिस्टर चंद्रिका प्रसाद सांतोखी जो कि प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम साउथ अमेरिकन कंट्री, और थीम थी इसकी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें रहती हैं। 10 जनवरी को हम वर्ल्ड राफ्ट डे या वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी, 12 जनवरी को हम जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म जो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 15 जनवरी को हम जो है आर्मी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन जो है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के द्वारा जो कमांड ऑफ आर्मी जो है इस दिन जो संभाली गई थी, और इसी पोंगल मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को हम जो है इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, इंडिया टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे हम, और 2021 में रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कोई भी नहीं होंगे इस बार कोविड पैंडेमिक को देखते हुए, 27 जनवरी को हम जो है इंटरनेशनल होलोकास्ट डे जो सेलिब्रेट करते हैं, होलोकास्ट का मतलब ये है कि जो नाजी जर्मन थे इनके द्वारा जो है ज्यूज लोगों की जो है काफी ज्यादा जो है बड़े स्केल पर जो है गैस चेंबर्स में जो है इनकी जो है हत्या कर दी गई थी, काफी बड़ा जो है ये जेनोसाइड या मैसेकर में देखने को मिलता है, ये जो है ऑस्ट्रीविज ब्रिकेंडू जैसी इस तरह से ये जगहें थी जिनको बाद में जो सोवियत ट्रूप्स के द्वारा लिबरेट किया गया था ऑन 27 जनवरी 1945, इसलिए इसको 27 जनवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल होलोकास्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, और 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी मैटम डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड नेपोसीड एडिक्शन डे भी हम 13 जनवरी को जो सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है वेंडिनियम डिपॉजिट जो है फाउंड किए गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो हमें जो है वेंडिनियम डिपॉजिट जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो फाउंड किए गए हैं। तो देखिए इस तरह से जो न्यूज आई थी कि अरुणाचल हार्बर्स दी वेंडिनियम सोर्स, और इसमें जीएसआई स्पेशलिस्ट के द्वारा जो ये जो है पुष्टि की गई, तो इसमें देखिए बताया गया कि इंडिया जो प्राइम प्रोड्यूसर है वेंडियम का, और ये जो हाई वैल्यू मेटल होता है स्टेनथिंग स्टील एंड टाइटेनियम। जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के बारे में जान लीजिए, ये जो है ओल्डेस्ट जो है साइंटिफिक एजेंसी मानी जाती है, इसमें जो है ये फाउंडेड 1851 में, वर्क करेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में रहती है, सर्वे ऑफ इंडिया के बाद जो है ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन है ये, 76 में सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगे, कोलकाता में देखिए आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगे, और एग्जीक्यूटिव इसके जो है रजनीकांत रंजीत राज जी जो है सीएमडी इसके आपको देखने को मिलेंगे, 4 मार्च 1851 में एस्टेब्लिश हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कंट्रोल वर्क करेगी, और वेरी इंपॉर्टेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल में ध्यान रखना, इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें पूछा गया आपसे कि सीताकुलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो सीताकुलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे आंध्र प्रदेश में जो है लोकेटेड है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि द हिंदू की न्यूज आई कि बैचलर्स ग्रुप ऑफ जम्बू वाज हेडिंग टुवार्ड्स सीताकुलम हिल्स रेंज, तो हाथियों का एक ग्रुप जो है सीताकुलम हिल रेंज की तरफ जो है जाते हुए जो देखा गया, और ये जो सीताकुलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे आंध्र प्रदेश का, और नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जैसे रेड सैंडल्स हो गए, एंडेमिक स्पीसीज होती है यानी कि वो उस पर्टिकुलर प्लेस में ही आपको देखने को मिलेगी, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो फेमस रेड सैंडल्स हो गए, सिलेंडर लॉरीज वगैरह हो गए, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि काफी क्लोज जो है ये जो धार्मिक स्थल है तिरुपति उसके काफी नजदीक है ये, और सीताकुलम जो हिल्स हैं हिल रेंज पार्ट रहती है ईस्टर्न घाट्स की इन साउथ आंध्र प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सार्क का कौन सा इनमें से दी कंट्रीज में से मेंबर नहीं है, तो कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है साउथ एशियन एसोसिएशन विद रीजनल कोऑपरेशन, तो आप ध्यान रखिए मालदीव अफगानिस्तान भूटान ये सारे सारे आपको सार्क के मेंबर देखने को मिलेंगे, म्यांमार जो इसका मेंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा।
सार्क जो देखिए एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, इसमें आपको मेंबर देखने को मिलेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये और इसमें ऑब्जर्वर आपको देखने को ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईयू, ईरान, जापान, मॉरिशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूके, यूएस, ये आपको जो है इसके जो है ऑब्जर्वर देखने को मिलेंगे। और सार्क जो फंड 8 दिसंबर 1985 और हेडक्वार्टर आपके काठमांडू, विश्व कैपिटल नेपाल में आपको इसको देखने को मिलेंगे। और इसाला रूवान जो कि श्रीलंकन है, ये इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि रिसेंटली जो है लीडर जो रहते हैं जीसीसी के, इन्होंने जो है साइन की एक सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट। देखिए यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगी कि सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट जो रिसेंटली न्यूज में थी तो ये किन कंट्री से रिलेटेड जो है न्यूज में थी, तो आपको ये बता दीजिए कि सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी जो एग्रीमेंट है जीसीसी मेंबर स्टेट से रिलेटेड हमें देखने को मिली, ये अल उला में जो है साइन हुई बिटवीन दी सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर, और कतर के साथ जो इन्होंने जो रिलेशनशिप जो नॉर्मल की, लेकिन ये जो अल उला है ये लोकेटेड हमें देखने को मिलेगी सऊदी अरेबिया में। अल उला प्लेस को मैप में देख लेते हैं तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से हम जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में इस तरह से कंट्री आपको देखने को मिलेगी, कैप्टन रियाद, रियाद में जीसीसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास यहाँ पर अगर हम जूम करें तो यहाँ पर आपको अल उला प्लेस देखने को मिलेगा, और अल उला में जो है सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट जो साइन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो रहती है, इन्होंने जो अप्रूव कर दिया मैन्युफैक्चर ऑफ 83 तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो रहती है वो किसके द्वारा जो हेड की जाती है, कौन इसको जो चेयर करते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें करके आएंगे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को जो चेयर किया जाता है। तो इस तरह से आप न्यूज में देख सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया 83 तेजस फाइटर फॉर एयरफोर्स 47 करोड़ की जो डील है। और तेजस आपने ध्यान में रखना सिंगल इंजन जो है एक सुपरसोनिक एक आपको जो फाइटर जेट जो देखने को मिलेंगे, और ये इंडिजिनियसली बिल्ट ये जो एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। विकीपीडिया के अगर हम कट आउट में देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है कि ये जो है डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी ऑन द फाइनेंस डिसीजन मेकिंग ऑन सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस, डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर एंड जनरली ऑल मैटर्स ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, और सीसीएस को चेयर किया जाएगा पीएम के द्वारा। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आपको जो पीएम जो रहेंगे हमारे चेयरमैन देखने को मिलेंगे, उसके बाद मेंबर आपको इसमें मिनिस्टर ऑफ अफेयर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन एक पर्सन यहाँ पर मिसिंग मिलेगा आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का पार्ट नहीं होता है। और देखिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमें जो है देखने को मिलती है, इसके देखिए दो इसमें जो है पार्ट्स होते हैं, एक इसमें हमें जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी देखने को मिलेगी और एक जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को जो हेड करेंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और पॉलिटिकल अथॉरिटी को हेड करेंगे पीएम। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करना है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिर्फ और सिर्फ जो एडवाइस दे सकते हैं पीएम को, और हमारी कंट्री में न्यूक्लियर बटन जो है पीएम के पास रहता है, पीएम की ही रिकमेंडेशन या सॉरी पीएम के ही ऑर्डर के पास जो है न्यूक्लियर बम जो है हमारी कंट्री जो है यूज कर सकती है किसी अदर कंट्री के ऊपर। तो ध्यान रखना न्यूक्लियर बटन इज ऑन द हैंड ऑफ अवर पीएम, सो काफी पावरफुल पर्सनैलिटी हमारे जो पीएम जो होते हैं। तेजस से रिलेटेड भी आप जो जान लीजिए, एक जो है मल्टी रोल लाइट जो है आपके फाइटर क्राफ्ट देखने को मिलेंगे आपको, ये सिंगल इंजन है, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज की रहती है कि ये जो है सिंगल इंजन है, और ये जो फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर रहते हैं डिजाइन किया गया इनको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इनको एचएल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है देखिए अभी न्यूज में थी रिसेंटली, ये किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हमें देखने को मिलती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो करता है। देखिए रिसेंट न्यूज आई थी कि इंडिया ने जो इंप्लीमेंटेड कर दिए है बहुत सारे मेजर टू फैसिलिटेट द ट्रेड सच एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ जेनेवा बेस्ड जो डब्ल्यूटीओ रहता है हमारा, और ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव बहुत सारे इंडिया ने जो इंप्लीमेंट किए हुए हैं, इंक्लूड इसमें रहेगा हमारे पास इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, स्विफ्ट और डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, और सारे सारे पार्ट से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के, और इंडिया में जो है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है किया जाएगा ऑन 6 जनवरी 2021 को, इससे पहले लास्ट जो किया था 2015 में किया गया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक कंट्रीज को जो है ट्रेड पॉलिसीज को जो है अंडरस्टैंड कर सके किस तरह की ट्रेड पॉलिसी कंट्री में की जाती है, इससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी जो है इंक्रीज की जाती है और अंडरस्टैंड की जाती है कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग, और इनेबल किया जाता है मल्टीलेटरल असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑन द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंसर्न करता है विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस, और ये इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करेंगे गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में, इसके साथ साथ ये जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करेंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करेंगे अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू,
और ये स्टेब्लिश हुई है ऑन 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर्स आपको इसके देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, और 164 आपको इसमें जो मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अगेन इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टेब्लिश 13 दिसंबर 1964 को, और पार्ट रहती है यूएन सेक्रेटरेट की, और 12 कंट्रीज की जो है ये जो है हेल्प करने की ये जो है कोशिश करती है, ट्रेड से रिलेटेड हेल्प करने की कोशिश करती है। वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रहती है कि इसने जो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का कंसेप्ट जो लाया हुआ था। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जो 12 कंट्री है उनको जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस जो है 12 कंट्रीज जो देती है प्रोडक्ट्स का। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्योंकि यूएसए ने जो है इंडिया को जो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की लिस्ट जो है हटा दिया है। यहाँ पर भी आप देखते हैं जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस रहती है ये प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम रहती है जो कि प्रोवाइड करेगी ट्रैफिक रिडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंसेप्ट जो जीएसपी का जो वेरी डिफरेंट है तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है अगर आप किसी एक कंट्री को जो है टैरिफ में छूट दे रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल ये रहता है कि आपको सभी कंट्रीज को जो भी मेंबर रहते हैं डब्ल्यूटीओ को सबको वही छूट आपको प्रदान करना पड़ेगी, और ये दोनों दोनों रूल जीएसपी और मोस्ट फेवर्ड नेशन डब्ल्यूटीओ के प्रीव्यू में आते हैं। और ये जो जीएसपी का जो प्रावधान है ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड रहता है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का रहता है कि किसी भी कंट्रीज के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डब्ल्यूटीओ में मेंबर्स जो भी रहते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ट्रेड से रिलेटेड जो है नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताना चाहिए, वर्ल्ड बैंक जो आपके 1944 को जो स्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेंगे। डेविड मेलपास आज के डेट में इसके जो प्रेजिडेंट है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करेगा फॉर द कैपिटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोन देता है। और आई वर्ल्ड बैंक में टू इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकवरी एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रहती है वो वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की वो रिपोर्ट रहती है। और वर्ल्ड बैंक जो है इसका मोस्ट गोल ये रहता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, और ध्यान रखना ये कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन देती है। आईएमएफ के बारे में देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेन वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जुलाई 1944 में जो एस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये जो है हैरी डेक्सटर व्हाइट और जॉन मैरिड केनिंग्स ये प्राइम पर्सन थे जिनके आइडिया के बेस पर आईएमएफ बना, और ये जो है लोन देती है ऐसी कंट्रीज को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर जो उनकी इनकम से काफी ज्यादा हो जाए तो वहां पर फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहां पर जो देखने को मिलती है। और जो भी कंट्रीज इस तरह की क्राइसिस से जूझ रही होती है तो आईएमएफ उनको लोन देती है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है सर्टेन सेट ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं, अगर आप आईएमएफ से लोन लेते हैं तो आपको वो जो है मेजर्स जो है इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं अपनी कंट्री में। इंडिया भी जो है इससे पहले जो है आईएमएफ से जो है लोन ले चुका है। ध्यान रखें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फर्क यही है, वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोन देता है जबकि आईएमएफ से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से ही रिलेटेड सिचुएशन में लोन देगा। और क्रिस्टेलिना जॉर्जिया जो इसके आपको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है एक ऐसा टैक्स होता है जो कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन रहती है फॉर कॉमर्स कंपनीज के बीच में फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो देखिए इस इक्वलाइजेशन लेवी को लगा था 2016 के बजट में हमने जो इसको जो अनाउंस किया था, तो ये जो है फॉर कॉमर्स कंपनीज के ऊपर जो है उनके बिजनेस बिजनेस जो ट्रांजेक्शन उनके ऊपर ये जो लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूज में इसलिए क्योंकि जो यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने जो है इंडिया इटली और टर्की के ऊपर जो सेक्शन 3 उन्होंने इम्पोज कर दिया, और इसमें ये प्रूव करेंगे कि कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही तो नहीं की जा रही है यूएसए की कंपनीज के साथ इस तरह के टैक्स लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का होगा, यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ जो है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो हम कहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये जो है हमें जो है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ओमकारेश्वर जो डैम है वहां पर हमें ये जो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप न्यूज देख सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट टू स्टार्ट इन एमपी बाई 2023, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा न्यूज दी गई। इस तरह से जो है फ्लोटिंग जो है सोलर प्रोजेक्ट होता है, इस तरह से जो ये जो सोलर सेल जो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो ओमकारेश्वर जो डैम है ग्रेविटी डैम जो रहता है नर्मदा रिवर के ऊपर मध्य प्रदेश के कंडावा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जो है इस जो है सोलर प्रोजेक्ट को जो है बनाया जाएगा, और ये जो 3000 करोड़ का ये जो हमें देखने को मिलेगा और 600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जो प्रोड्यूस करेगा। और ध्यान रखना ये जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है हमारी कंट्री का जो है बनेगा। नर्मदा रिवर के बारे में जान लो, ये जो एक वेस्टर्न फ्लोइंग जो है रिवर हमें देखने को जो है नर्मदा रिवर जो मिलती है, और लाइफ लाइन जो इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात की, और ये जो है आपके गुल्फ ऑफ कंबागट में जाके जो है मिलती है बाद में अरबंसी, और ये जो है राइज करती है हमारे हमटक हिल मध्य प्रदेश से, और स्टेट जो कवर करेंगे इसमें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात। और ध्यान रखना हमने ताप्ती रिवर और माही रिवर भी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो देखने को मिलती है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन रिसेंटली रिलीज्ड हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। मैं बोलता हूँ कि ये जो हेनलीज जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस जो बहुत ज्यादा होते हैं,
तो रिसेंटली जो लीज है एनालिस्ट पासवर्ड इंडेक्स, इसमें इंडिया ने जो वन रैंक जो लूज कर ली थी प्रीवियस साल, प्रीवियस ईयर 2020 में हमारी रैंक थी 84th, अब हमारे पासवर्ड जो थोड़ा वीक हो गया और हम हमारी रैंक पहुंच गई 85th रैंक के ऊपर। ये आप हेनलीज एंड पार्टनर्स के जो पासवर्ड इंडेक्स की जो वेबसाइट है वहां पर मैं आपको लेके आया हूँ। टॉप रैंक इसमें जापान की हमें देखने को मिलती है और जापान के पासवर्ड को जो है वीजा फ्री एक्सेस मिलता है 191 कंट्रीज का, उसके बाद सिंगापुर सेकंड रैंक, साउथ कोरिया थर्ड, जर्मनी भी थर्ड, इटली फोर्थ, फिनलैंड फोर्थ, स्पेन फोर्थ, लग्जमबर्ग फोर्थ एंड डेनमार्क फिफ्थ रैंक के ऊपर रहेगा। और ये हम देख सकते हैं इंडिया की रैंक, तो इंडिया को जो 85th रैंक मिलती है और 58 डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमें वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। कई जगह हमें वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है और कई जगह जो है हमें वीजा की जरूरत नहीं है। भूटान हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इस तरह से कंट्रीज है, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर जो है हमें वीजा फ्री एक्सेस जो है मिलता है। पाकिस्तान की आप यहाँ रैंक देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको पाकिस्तान रैंक होने से हमें देखने को मिलेगी और सिर्फ 32 कंट्रीज के का ही जो है वीजा फ्री एक्सेस जो है पाकिस्तान पासपोर्ट को मिलता है। या पूरी पूरी जो इसमें जो है आप जो है रैंकिंग जो है देख सकते हैं सभी कंट्रीज की। वर्स्ट पासपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान का, उसके ऊपर इराक, फिर सीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर यमन, फिर सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्साइज जो सी विजिल 21 जो न्यूज में थी, जो आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है, पहली पूछी गई कि ये जो ज्वाइंट मैरिटाइम एक्साइज थी बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर नंबर फोर, देखिए बिल्कुल गलत बात है, ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की जो अपनी एक एक्साइज होती है। दूसरी बोली कि ये टेक्स पेस एनुअली, देखिए बाईएनुअल एक्साइज रहती है, 2 साल में एक बार ये जो होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो अमेरिका तो जाएगी, तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड आर करेक्ट। तो देखिए ये जो है एक पीआईवी कट आउट रहती है, इंडियन नेवी टू कोऑर्डिनेट सेकंड एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्साइज सी विजिल 21। तो देखिए इसमें बोला गया कि सेकंड एडिशन जो रहती है बाई एनुअल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्साइज सी विजिल 21 विल बी कंडक्टेड ऑन 12-13 जनवरी 2021, और एक्साइज जो है इनॉगरल एडिशन रहेगा जो कि इनॉगरल एडिशन का 2019 में कंडक्ट किया था, तो सेकंड एक्साइज हमें 2021 में जो देखने को मिलेगी अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ 716 किलोमीटर कोस्ट लाइन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक्साइज जो की जाएगी। इसमें 13 कोस्टल स्टेट और यूनिट एडिशन हमें देखने को मिलेगी और एक्साइज जो कोऑर्डिनेट की जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा और इंटायर कोस्टल बॉडी जो साइड देखिए, तो 26/11 जो टेरर अटैक हुआ था उसमें जो देखिए सी के रास्ते से जो है टेररिस्ट ने जो अटैक किया था, इसलिए जो है हम जो अब जो है सी सिक्योरिटी को भी जो काफी ज्यादा जो हम प्रेफरेंस देते हैं अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को। दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, इसमें पूछा गया कि कौन सी कंट्री जो बॉर्डर शेयर नहीं करेगी वियतनाम के साथ। देखिए चाइना बॉर्डर शेयर करेगी, कंबोडिया बॉर्डर शेयर करेगी, थाईलैंड जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है हमारे वियतनाम के साथ। ये जो आपने स्क्रीन के सामने जो है धरती को देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया, और इंडिया से हम अगर ईस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको जो है वियतनाम जो देखने को मिलेगा, वियतनाम की कैपिटल रहेगी हनोई, और वियतनाम देखिए बॉर्डर शेयर करेगा यहाँ पर चाइना के साथ, फिर लाओस के साथ, फिर कंबोडिया के साथ, 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। करेंसी जो वियतनाम की बहुत बार पूछी जाती है, तो डोंग, DONG, डोंग इज अ करेंसी ऑफ वियतनाम। ये मैप भी जो आप जो मैप में देख सकते हैं वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल हनोई। हेलोंग वे जो है आपको जो है वियतनाम के कोस्ट के साथ देखने को मिलेगी, साउथ चाइना सी को भी जो ये टच करेंगे, और कंबोडिया, लाओस और चाइना के साथ ये जो लैंड बॉर्डर जो शेयर करेगा। ना त्रांग देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट, पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, होयन, डेनेंग, ये पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे कि जो कायाकल्प जो अवार्ड है जो कि रिसेंटली जो न्यूज में, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर करके आएंगे या तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, या तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको बताऊँ जी ये जो कायाकल्प जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है ये जो है अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक पीआईबी की कटआउट देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया कायाकल्प इनिशिएटिव, ये 2015 की कटआउट मैंने आपके लिए डाली हुई है। हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम जेपी नड्डा जी थे, इनके द्वारा जो कायाकल्प अवार्ड 2015 में इस तरह से लॉन्च किया गया था। रिसेंट न्यूज जो रहती है देखिए, इसमें बोला कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो प्रेजेंट हमारे हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने जो है कायाकल्प अवार्ड जो दिए टू दी पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। तो यहाँ से हमें पता लगता है ये जो कायाकल्प अवार्ड है ये पब्लिक सरकारी एज वेल एज प्राइवेट जो निजी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी उनको दिए जाते हैं, फॉर हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटी ये जो दिए जाते हैं। और इसने जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंपैक्ट जो डाला हुआ इंप्रूविंग द बिहेवियर ऑफ द मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, इसमें पूछा गया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इनमें से कौन से मेंबर नहीं होते हैं। तो सब के सभी आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के मेंबर नहीं होते हैं और पीएम जो है इसको जो है हेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज का रहता है, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें पूछा गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो देखिए कोलैबोरेटिव नेटवर्क रहेगा, कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम ये रहेगा, टू प्रोवाइड टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग डिटेल्स 2D टू 3D 3D प्रोडक्ट डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम। तो इसको जो लॉन्च किया गया है NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NCBSE के द्वारा। ये देखिए आप PIB कटआउट आप देख सकते हैं, NIC NCBSE लॉन्च कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, इस तरह क्वेश्चन फेवरेट होते हैं UPSC के। 14 जनवरी इसको जो लॉन्च किया गया, टू प्रोवाइड टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन टू स्टैंडर्ड फैकल्टी इंजीनियरिंग्स। ओके, तो यहाँ बताया कि NIC OCBSE के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर,
कंप्यूटर इनेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम रहता है। ये जो टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, 2D सेकंड डायमेंशन ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन, 2 3D प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के प्रोवाइड करेगा, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम से रिलेटेड। ये जो एनआईसी है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये जो अटैच्ड ऑफिस रहता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो ये प्रमोट करते हैं, आईटी सर्विसेज ये हमारी कंट्री में प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट की जो आईटी सर्विस है उनको सपोर्ट करेंगे, डिजिटल इंडिया जो फर्स्ट ट्राई फैक्ट्री को लॉन्च किया गया था, नीता वर्मा जो एनआईसी की जो है डायरेक्टर जनरल रहेंगे, और न्यू दिल्ली में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, एस्टैब्लिश हुई 1976 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीबीएसई। तो सीबीएसई जो है नेशनल लेवल बोर्ड रहता है एजुकेशन इंडिया, ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, और एनसीआरटी को योजन, एनसीआरटी को योजन ये फॉलो करते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, मनोज आहूजा जी प्रसाद इसके आईएएस जो रहते हैं, इनके जो है आज के डेट में चेयरपर्सन रहेंगे, और 1962 में सीबीएसई को एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इसरो से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसरो जो हमारी जो स्पेस एजेंसी रहेगी, 1969 15 अगस्त 1969 को एस्टैब्लिश हुई है, बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर मिलेंगे, और केसी पान साहब इसके आपको जो चेयरमैन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1961 में एस्टैब्लिश हुई है, और रजिस्टर्ड है चैरिटेबल सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 1961 एस्टैब्लिश हुई है। प्रेसिडेंट इसके मिस प्रोक्रिया मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टर डॉक्टर हरीश केश सेनापी, और न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर, दिल्ली में जो इसके आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। AICTE के बारे में देखें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है नेशनल लेवल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन अंडर वर्क करेगी, स्टार्ट हुई नवंबर 1945 में AICTE, और हेडक्वार्टर आपको इसको देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली में, और राजीव कुमार जो मेंबर सेक्रेटरी आप, और चेयरमैन आपको जो है अनिल शास्त्रबुद्धि जो है इसके देखने को मिलेंगे। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप इन सीरीज को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से जो है आपके लिए जो है वैल्यूएबल वीडियोस लेके आए, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प भी कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मच।